मैं पहले से श्योर होता है ना ठीक है कि इस टाइम क्लीन स्वीप होगी तो वो वाली फीलिंग आ रही है मुझे इस बार। यार ये देखिए ये कितने बेवकूफ़ हैं कि मेरे ही शोरूम से इलेक्ट्रिक बाइक्स निकल रही हैं और ये सोच रहे हैं कि इनका बाइक तेज हो। होम टर्फ जो होती है ना, होम टर्फ के ऊपर हराने का जो मज़ा है ना लोगों को, वो और ही है। मतलब ये लोग भावलपुर आए हैं, मोस्ट वेलकम, वहाँ पे भी हम ही नहराएंगे, मगर यहाँ पे रहने का अपना मजा है। आए पहले आपको राइड सिखाते हैं राइड्स का, मगर फिर भी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज हम इनको हराएंगे। आप लोगों ने अपने जो वो है चेयर करना है भावलपुर साइड को, बेशक आप कराची से हैं, बेशक आप पेशावर से देख रहे हैं। यार ये जो इतनी गारंटियाँ हैं इसके पीछे कोई रीज़न लगता है, इसके पीछे वर्दी है। बॉयज वी आर रेडी फॉर द ड्रैग। सबसे पहले मैं आपको लाहौर वालों की यहाँ पे एक चलाकी पॉइंट आउट करना चाहता हूँ ठीक है, कि ये देखें कि एक तो ये देखें लोगो भी नहीं है यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लोगो भी लगा हुआ है ठीक है। मतलब फ्रेश जो बाइक है वो इनके पास है, हमारे पास जो है वो इतनी फ्रेश बाइक नहीं है। दूसरा ये देखें स्क्रीन, स्क्रीन टूटी हुई है, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। ये मेरे ख्याल में 8-10 HPs तो यहाँ मैंने लॉस किए हैं ठीक है। सीट पे भी थोड़ा सा क्रैक है, मगर फिर भी मेरे ख्याल में समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा स्क्रीन भी तोड़ दो। मेरे ख्याल में जो ऐसा राइडर पे भी बहुत डिपेंड करता, बेशक हम 15-20 HPs कम है हमारे पास। मैं तुमको बोला था कि राइडर की भी एक आधी चीज तोड़। तो बॉयज अच्छा, अब पहले सबसे पहले मैं आपको ट्रैक तो अभी समझाता हूँ, मगर हम लोगों ने एक पूरा सर्किट करना है यहाँ से, और जब हम वापसी आएंगे तो सलमान और अरमगान यहाँ पे होंगे। इनकी ड्यूटी ये है कि इनको हम कोई चीज़ देंगे ठीक है, लाइक क्या चीज़ दें, कोई भी एक चीज़, कोई रुमाल या कोई ग्लव्स या ऐसी कोई चीज़ देते हैं। रुके मैं ढूँढता हूँ। क्या देते हैं, ये बाइक डुकाटी, ओके गुड। हाँ सलमान के पास ये डुकाटी होगा और सलमान यहीं पे होगा, जिसने हम दोनों में से जो पहले पहुंचेगा वो सलमान से ये डुकाटी लेगा ठीक है, और जो ये डुकाटी लेगा वो जीतेगा। डन। अच्छा मेरी बात सुने जॉय साहब, दिस इज ऑल्सो द ट्रॉफी फॉर दिस रेस, जो जीतेगा उसकी ये विनिंग ट्रॉफी ठीक है। मतलब मेरे अभी यार इसे गाड़ी में रख लो यार, ये जीत गए हम रेस ठीक है। ओके तुमने इधर ही रहना है, ये मेरी है, ये मुझे ही चाहिए वापस। बॉयज ये मैं आप लोगों को और चौधरी साहब को थोड़ा सा सर्किट समझा दूं ठीक है। हमने डिसाइड तो खुद ही किया है, मगर एक दफ़ा दोबारा, हम इस टाइम टॉर्क के सामने ठीक है, यहाँ पे हम टॉर्क के बैक साइड से जा रहे हैं, ये हॉटस्पॉट है ठीक है, यहाँ से सीधा, उसके बाद यूँ ये मेन वो राउंड अबाउट आ जाएगा, वहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे जैसा ठीक है। लेफ़्ट होने के बाद हम सीधा जाएंगे, नीचे एक अंडरपास आएगा, इसको हम क्रॉस करेंगे, स्ट्रेट मस्जिद चौक आ जाएगा ठीक है। मस्जिद चौक से हम हो जाएंगे लेफ़्ट, सीधा सेकंड अंडरपास को हम नीचे से नहीं गुजरेंगे, वहाँ से हम हो जाएंगे लेफ़्ट ठीक है। फर्स्ट जो सिग्नल आएगा उससे यू टर्न वापसी, और सेम इसी रूट से वापसी आ जाएंगे यहाँ पर। जो यहाँ पर पहले पहुँचेगा, सलमान के हाथ में डुकाटी है ठीक है, इसे हमने डुकाटी लेगा, जो पहले डुकाटी लेगा वो विनर होगा। थैंक यू। यार ये मेरी बात सुने, इसको पैक करा के प्राडो में रखवा दे ठीक है। I'll be waiting for you at the finish line. All right. See you. See you. यार एक सेकंड। I'll show you. मैं कहता हूं कि मेरी एक ही ब्रेक है। और मेरी भी एक ही ब्रेक है। अच्छा? अच्छा वापस आप इसी जगह पे हैं। वापसी हम टॉर्क पे हैं। टॉर्क पे हां। टॉर्क पे। कारी ध्यान रखिए। यस वी आर रेडी। अ क्विक स्टार्ट बाय बहावलपुर लूजर्स। एंटरिंग द फर्स्ट कॉर्नर, द सेकंड कॉर्नर, लीविंग चौधरी साहब बिहाइंड इन द डस्ट। क्रॉस कर रहे हैं फर्स्ट राउंड अबाउट, और ये सामने हमारे अंडरपास आ गया। इसकी मुझे ना पता नहीं क्यों टायर में हवा कम लग रही है इस टाइम, फुल स्पीड पे मैं यार तो
ये मुझे लगता है मैं अंडरपास पे आपको क्रॉस करूंगा। आपको बताया था ना, वेरी गुड। देखा, मैंने कहा था ना मैं क्रॉस कर लूंगा। पीछे रह गए, चार्जिंग कितनी रह गई है? 1 पॉइंट। व्हाट द, चल सब एक दफा फिर मुझसे लीड लेते हुए। यार इसको मैं वेट रिडक्शन कैसे कर सकता हूँ इसके ऊपर? कुछ है ही नहीं उतारने के लिए। बॉयज आई एम सॉरी, मेरे पास और कोई चारा नहीं रहा सिवाय इसके कि थोड़ी सी बेईमानी की जाए। चल साहब, बैटरी इसकी खत्म हो गई। देखें, बैटरी खत्म हो गई है इसकी। लूजर्स। बैटरी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? अभी तो चले डॉक्टर साहब। ये थी चीटिंग। इसके बाद अगर ये जीत भी गया ना, मैं नहीं मानूंगा। ये सेकंड अंडरपास है, इसको हमने क्रॉस नहीं करना था। ये ये क्या हुआ? ओह बॉयस, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। ये आपने आज इस सर्किट रेस से सीखा है कि हमने अगर बेईमानी की थी तो लाहौर वालों ने भी कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, अच्छा एक तो चल साहब ने चाबी बंद की, चाबी बंद करने के बाद वो स्टार्ट सीधी नहीं हो रही थी चाबी, क्योंकि इसके ने लेफ्ट होता है, स्ट्रेट होता है, फिर राइट होता है। राइट साइड पे इसकी लाइट्स वगैरह भी ऑन हो जाती हैं, वो फिर बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करती हैं। मैं मेरे अंदाजे के मुताबिक चौधरी साहब मेरे ख्याल में मेरे से ना 100 मीटर्स या 150 मीटर से आगे नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि मैं कैचअप कर लूँगा, लेट्स सी। यार एक और आइडिया है, किसी मोटर बाइक वाले का हाथ ना पकड़ लूं, मगर मुझे कौन हाथ पकड़वाएगा? ये अंकल आ रहे हैं एक अंकल। और स्टिल नो साइन ऑफ चौधरी साहब। और मतलब कोई गिल्ट भी नहीं है ना कि आपने बेईमानी की है, तो थोड़ा सा आपका ज़मीर जो है वो आपको मलामत कर रहा हो, थोड़ा गिल्टी आप फील कर रहे हो, आप आगे जाके थोड़ा सा स्लो हो जाए। मतलब चौधरी साहब ने आसरा ही नहीं किया, चले कोई बात नहीं। आई होप आई विश कि चौधरी साहब की बैटरी ख़त्म हो जाए, इसके अलावा हम किसी तरीके से नहीं जीत सकते। वो जा रहे हैं चौधरी साहब। Yes, we still have a chance. Or is the winner? Curry? वो किधर गया वो लड़का? वो कह रहे हैं सिगरेट पीने जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक लेने गए हैं। किस तरफ? जीत का जो मजा है, जीत की जो खुशी है, वो डॉक्टर को देख के ही आनी है।
मैं जीत चुका हूँ नहीं जो पहले पहुंचेगा उनके पास सलमान का है सलमान यार किधर है नहीं नहीं जो पहले पहुंचेगा उनके पास कहाँ गए सलमान इधर क्या कर रहे हो हैं इधर क्यों खड़े हुए थे और तुम्हें पता तुम्हारी वजह से मैं रेस जीत गया हुई है इधर चल साहब पहले पहुंच गए थे मैं बॉयज ये देखें ये होता है ईमानदारी का नतीजा एक और लाइफ लेसन कि ईमानदारी आप करेंगे तो आप जीतेंगे टीटीट यस यस ये होता है ईमानदारी का नतीजा This is what you earn for honesty. ठीक है This is what you get. मैं और मेरे आपने चाबी बंद की थी मैंने करी मैं वो अपनी मर्जी से गए हैं ना इसमें ये कौन सी बात थी कि जनाब आप जिधर भी होंगे उनको ढूंढ रहे हैं मेरी बात सुने ये था कि वो इधर खड़े ये आगे यार अपने ईमान से बताई मैंने तुझे कहा था वहां जाने का ये कह रहे हैं कि भावलपुर वाले मिले हुए हैं मरते मरते बचे हैं एक दो जगह चल साहब थैंक यू सो मच बहुत मजा यार मेरी बात सुने एक चीज एक मसला तो हल करें हमने रेस के स्टार्ट में बोला था कि जो यहाँ पहले पहुंचेगा वो जीतेगा या जो पहले इसको लेगा वो जीतेगा जो यहाँ पहले पहुंचेगा नहीं जो पहले लेगा जो पहले इसे यार बॉयज मेरी बात सुने वीडियो को रिवर्स करके देखें और मैंने बताया मैंने पहले क्या बोला था और बल्कि ये वाला डिसीजन ना मेरी बात सुने ऑडियंस पे छोड़ देते हैं ठीक है ये मैं नहीं लेता अभी ये मैं नहीं लेता ऑडियंस पे छोड़ देते हैं जिसके ज्यादा कमेंट्स आए कि लाहौर या भावलपुर देखे यार वो जीता इसमें ना वो बिल्कुल भी ये बात नहीं करनी कि असूल की बात करनी है ईमानदारी की बात करनी इधर मैं पहले पहुंचा अच्छा ईमानदारी की बात कौन कह रहा है जिसने चाबी बंद की और ईमानदारी की बात कौन कह रहा है जिसने मुझे रास्ते में बोला कि जरा रुकिए मेरा खराब हो गया बाइक ना तो मैं इसके लिए उतरा हूँ ये भाग गया चले कोई नहीं अभी पता लग जाता है बॉयज आपने इस रेस का फैसला करना है बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर के कौन जीता है टेक केयर